केवल स्टे ब्रिज, केवल स्टे ब्रिज ना सिर्फ कनेक्टिविटी अच्छी करती है बल्कि आसपास में टूरिज्म और नया इन्वेस्टमेंट लेकर आती है। शहर का सौंदर्यीकरण होता है। आज हमारे देश में 50 से ज्यादा केवल स्टे ब्रिज पर कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं जो 2023-24-25 के अंदर बनकर तयार होने। तो आइए देखते हैं कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन केबल ब्रिज जो 2024-25 से पहले बनकर तैयार होंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों को भी शेयर करना। और हाँ, चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की पहली केबल ब्रिज जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है वह है कच्ची दरगाह बिदुपुर केबल ब्रिज। भारत की लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज के रूप में बनाया जा रहा यह ब्रिज 9.76 किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा जो आरा और छपरा को NH31 और NH322 को कनेक्ट करेगी। ब्रिज गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है जिसकी आधारशिला अगस्त 2015 को नीतीश कुमार जी द्वारा रखा गया था और आज 80-85% का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया। बताया जाता है कि ब्रिज 6-लेन एसएस कंट्रोल हाईवे के रूप में बनाया जा रहा है जिसे LNT और ENC द्वारा 5000 करोड़ की लागत से BSRDC की देखरेख में बना रही। बनने के बाद नॉर्थ और साउथ बिहार की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, साथ ही साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा। अपडेट्स की बात करूं तो पिलर का काम पूरी तरह से कंप्लीटेड है, वहीं आज केबल स्पैन लगाने का काम जारी। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिड 2023 तक यह बनकर तैयार हो जाएगी, बट पर्सनली मुझे लगता है कि एंड 2024 से पहले यह तैयार नहीं हो सकती है। तो बस देखना होगा कि यह केबल ब्रिज कब तक बनकर तैयार होती है। दूसरी केबल ब्रिज है कांसी का केबल ब्रिज। कांसी रिंग रोड फेज 3 के अंतर्गत बनाया जा रहा केबल ब्रिज कांसी की पहली 6-लेन केबल ब्रिज होगी। गंगा रिवर के ऊपर 950 करोड़ की लागत से बना रही। बनने के बाद गाजीपुर और चंदौली बाईपास से कनेक्ट करेगी जिससे कनेक्टिविटी तो अच्छी होगी होगी, साथ ही साथ आसपास में टूरिज्म भी बढ़ेगा। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो रिंग रोड फेज 3 का 65% का काम पूरी तरह से कम्प्लीट कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्च 2024 से पहले यह बनकर तैयार हो जाएगी, जिस पर आज की डेट में काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन के काम किए जा रहे हैं। तो बस देखना होगा कि कांसी का पहला 6-लेन एसएस केबल ब्रिज कब तक बनकर तैयार होती है। तीसरी केबल ब्रिज है अमरोहा केबल ब्रिज। नागपुर सिटी से 75 किलोमीटर दूर अमरोहा में कोसीकुंड डैम के ऊपर बनाया जा रहा खूबसूरत सा केबल ब्रिज TNT इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा 143 करोड़ की लागत से बना रही। इसकी खास बात यह है कि ब्रिज के ऊपर एक आर्ट गैलरी होगी जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा। बताया जाता है कि गैलरी का 40% का वर्क पूरी तरह से कम्प्लीटेड है। केबल ब्रिज का काम लगभग 90% का वर्क पूरी तरह से कम्प्लीटेड है और उम्मीद है कि मिड 2023 से पहले यह ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, साथ ही नागपुर को भंडारा से कनेक्ट करेगी। तो बस देखते हैं अमरोहा का यह खूबसूरत केबल ब्रिज कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट केबल ब्रिज है ओखावेट केबल ब्रिज। गुजरात के द्वारका धाम में बनाया जा रहा केबल ब्रिज SP सिंगला द्वारा 4-लेन केबल ब्रिज के रूप में 962 करोड़ की लागत से तैयार कर रही है। ब्रिज EPC मोड के रूप में तैयार हो रही है जो कि तकरीबन 2.3 किलोमीटर का सेक्शन होगा। यह ब्रिज गल्फ ऑफ कच्छ को ओखा से कनेक्ट करेगा। अभी फिलहाल एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोई भी सुविधा नहीं है, लोग बोट से ट्रेवल करते हैं। वहीं यह ओखा वेट केबल ब्रिज बनने के बाद न सिर्फ कनेक्टिविटी अच्छी होगी बल्कि आसपास में टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को आवाजाही में काफी सहूलियत मिलेगी। पहली बार इस ब्रिज को 2016 में नितिन गडकरी जी द्वारा अप्रूव किया था जिसका फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी जी द्वारा 7 अक्टूबर 2017 को रखा गया और आज 80% का काम पूरी तरह से कम्प्लीटेड है। उम्मीद है इसी साल एंड तक यह बनकर तैयार हो जाए और पब्लिक के लिए ओपन भी हो जाए। तो बस देखते हैं यह ओखा बेट केबल ब्रिज जो कि द्वारका धाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना में से एक है, वह कब तक बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट केबल ब्रिज है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। 6-लेन एसएस कंट्रोल हाईवे के रूप में बनाया जा रहा केबल सीलिंग 21.8 किलोमीटर लंबा होगा जो तकरीबन 27 मीटर विड्थ होगी। सीलिंग साउथ मुंबई के सेवरी से शुरू होकर एलिफेंटा आइलैंड के थाने ग्रीक और नहावा को कनेक्ट करेगी जो ईस्ट में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और वेस्ट में कोस्टल रोड को कनेक्ट करेगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को पहली बार 1968 में प्लान किया गया था जिसका पहला कंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट 2004 में शुरू की गई थी, हालांकि ये पूरी तरह से फेल रहा। वहीं दूसरा अटेम्प्ट 2005 में, तीसरा 2008 में और फोर्थ 2011 में, ये सारे के सारे कोशिशें बेकार चली गई। और फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट ने इसी प्रोजेक्ट को PPP मोड से कन्वर्ट करके EPC मोड के रूप में बदल दिया गया और LNT टाटा ग्रुप आज के डेट में इस सी लिंक को काफी तेजी से विकसित कर रही है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 85% का वर्क पूरी तरह से कम्प्लीट कर लिया गया। बताया जाता है कि पूरा सी लिंक 18,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रही है जो कि पहली बार इसकी कंस्ट्रक्शन 24 अगस्त 2018 को शुरू की गई थी और उम्मीद है कि 2023 एंड तक वह बनकर तैयार भी हो जाए। बनने के बाद भारत का यह सबसे लंबा सी लिंक होगा जिससे न सिर्फ मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगी बल्कि टूरिज्म सेक्टर भी मजबूत होगा और मुंबई की एक नई पहचान बनेगी। तो बस देखते हैं यह कब तक बनकर
तैयार होता है। नेक्स्ट केबल ब्रिज है मिसिंग लिंक। 13.3 किलोमीटर लंबा यह सेक्शन दो टनल और दो वायाडक्ट केबल ब्रिज के रूप में बनाया जा रहा है। पूरा सेक्शन पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा है जो कि 5000 करोड़ की लागत से ईपीसी मोड के रूप में तैयार हो रही है। इसको एफकॉन द्वारा बना रहा है, लोनावला वैली पर बनाया जा रहा है। इसे दो केबल ब्रिज का 50% का काम पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया। उम्मीद है 2024 तक यह बनकर तैयार हो जाए। ऑफिशियल्स का कहना है कि इसी साल 2023 में यह बनकर तैयार हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि 2024 एंड तक यह पूरी तरह से कम्प्लीट होगी। अगर आपको मिसिंग लिंक से जुड़ी आपको हर एक डिटेल में इन्फो चाहिए तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। नेक्स्ट केबल ब्रिज है जबलपुर केबल ब्रिज। नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है केबल ब्रिज लम्हेटा घाट को लम्हेटी विलेज से 502 मीटर लंबी केबल ब्रिज के रूप में कनेक्ट करेगी, जिसकी विड्थ 13 मीटर होगी। इस 13 मीटर में 1.5 मीटर की एक फुटपाथ को भी प्लान किया गया, जिसका आज के डेट में काम भी चल रहा है। बताया जाता है कि अभी फिलहाल एक छोर से दूसरे छोर जाने की कोई भी मुख्य रास्ता या ब्रिज नहीं है, लोग नाव से ट्रेवल करते हैं, बट यह ब्रिज बनती है तो कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी, साथ ही साथ इस रीजन में टूरिज्म भी बढ़ेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 50% का वर्क आज के डेट में कम्प्लीट हो गया है और उम्मीद है कि इसी साल 2023 में यह बनकर तैयार हो जाएगा। बनने की कोस्ट तकरीबन 90 करोड़ बताई जा रही है, जो कि आज के डेट में काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन की जा रही है। तो बस देखना होगा कि यह जबलपुर का केबल ब्रिज जो कि लम्हेटी विलेज को लम्हेटा घाट को कनेक्ट करेगा वो कब बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट केबल ब्रिज है अंजीखाद केबल ब्रिज। भारत की पहली रेलवे केबल ब्रिज के रूप में बनाया जा रहा है यह ब्रिज दिल्ली बारामूला सीलिंक रेल लाइन का हिस्सा है, जिसे HCC प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 450 करोड़ की लागत से जम्मू एंड कश्मीर के रईसी कटरा में बना रही है। ब्रिज 473 मीटर लंबा होगा, जो कि रिवर बेड से 196 मीटर ऊपर एक शानदार इंजीनियर मार्वल्स के रूप में तैयार करा, जिसमें 86 केबल को लगाया जाना। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2017 में कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी और आज 80% का काम पूरा कर लिया गया। उम्मीद है 2024 मई तक यह बनकर तैयार हो जाए। तो बस देखना होगा कि 2024 मई तक यह ओपन होती है या फिर डिले होता है। नेक्स्ट केबल ब्रिज है पंपहू केबल ब्रिज। प्रयागराज में गंगा नदी के ऊपर चंद्रशेखर आजाद सेतु के पैरेलल बनाया जा रहा है 6 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज 3.83 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज होगा, जो 10 किलोमीटर अप्रोच रोड का एक हिस्सा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जून 2018 में NHAI द्वारा अप्रूव किया गया था और 2020 नवंबर में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करके आज के डेट में 40-50% का काम पूरा कर लिया गया और उम्मीद है कि 2024 तक यह ओपन भी हो जाए। ओपन होने के बाद कनेक्टिविटी तो अच्छी होगी होगी, साथ ही साथ इस रीजन में टूरिज्म बढ़ेगा, पूरे एरिया का सौंदर्यकरण होगा। देखना होगा यह पंपहू केबल ब्रिज कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे इसकी कोस्ट 2000 करोड़ बताई जा रही है और आज के डेट में काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन भी की जा रही है। नेक्स्ट केबल ब्रिज है जहुरी न्यू केबल ब्रिज। गोवा में जहुरी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है केबल ब्रिज भारत की सेकंड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज के रूप में 8 लेन के रूप में बना रही, जिसकी लेंथ 700 मीटर होगी। ब्रिज नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को कनेक्ट करेगी, जिसे 2530 करोड़ की लागत से तैयार कर रही। वहीं ऊपर एक आर्ट गैलरी को भी प्रस्तावित किया गया, जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रिज की कंस्ट्रक्शन जून 2016 में शुरू किया गया था और आज फेस वन का काम पूरी तरह से कंप्लीट करके नितिन गडकरी जी द्वारा राइट हैंड साइड का 4 लेन का हिस्सा 29 दिसंबर 2022 को इनॉग्रेट भी कर दिया गया, पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया गया। वहीं फेज टू के अंतर्गत 4 लाइन जो कि लेफ्ट हैंड साइड बना रही है, उसका भी 60% का काम पूरा कर लिया गया और उम्मीद है कि दिसंबर 2023 से या पहले ओपन भी हो जाए। ऐसे में देखना होगा कि ये सारे केबल ब्रिज जो कि आज के डेट में भारत में अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर ये सारे ब्रिज बन जाती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत एक नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ेगा। फिलहाल आज का वीडियो मेरा यहीं पेंड होता है। होप ये जितने भी ब्रिजेस हैं वो जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। होप ये छोटा सा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।